Hello children, I am Varsha Rani Gupta, lecturer in Government Higher Secondary School, Gujarat, Raipur. Children, today we are going to study lesson number 21 from the textbook of class 8 and name of the lesson is The Flavors of Thailand. बच्चों आपने थाईलैंड के बारे में तो सुना ही होगा जो कि बहुत ही सुंदर एशियाई देश है। एक इंडियन फैमिली यहाँ विजिट के लिए आती है और उन्हें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अच्छी लगती हैं, जैसे कि वहाँ का कल्चर, क्यूजीन, ब्यूटीफुल प्लेसेस, तो इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं आपके इस लेसन द फ्लेवर्स ऑफ थाईलैंड में। सो गेट रेडी टू रीड विथ मी। ओके, Little Doi San welcomed us at the gate of neat-looking guest house with folded hands. This standard Thai gesture of greeting is called the Wai. Welcomed means swagat kiya. Guest house means atithi graha. Folded means jude hue. Standard means manak ya mapdand. Gesture means sanket. ग्रीटिंग मीन्स शुभकामना। लिटिल डोई स्वान ने हमारा नीट मीन्स स्वच्छ दिख रहे गेस्ट हाउस में फोल्डेड हैंड मीन्स जुड़े हुए हाथों के साथ स्वागत किया। तो बच्चों ताई अभिवादन की इस मुद्रा को वाई कहते हैं। Flowers, colorful dresses, beautiful Buddha statue and temples introduce us to this unique country in Southeast Asia. Thai people are warm-hearted, courteous, ever smiling and their hard-working nature is inspiring. तो बच्चों अब हम इसके difficult words देख लेते हैं। Warm-hearted means दयालु, courteous means विनम्र, Smiling means मुस्कुराते हुए, Inspiring means प्रेरणादायक। Flowers, colorful dresses, beautiful Buddha statue means बुद्ध की सुंदर मूर्तियाँ हमें साउथ ईस्ट एशिया में इस यूनिक means अनोखे कंट्री से इंट्रोड्यूस अर्थात परिचय कराती हैं। Thai people's warm-hearted means दयालु होते हैं बच्चों, courteous means विनम्र और ever smiling means हमेशा मुस्कुराने वाले होते हैं और उनका hard-working natures means मेहनती प्रकृति inspiring जिसका मतलब होता है प्रेरणादायक होती है। Our stay in Thailand was enriching and very exciting. Thailand is bordered by Laos and Cambodia on the east, the Gulf of Thailand and Malaysia on the south and the Andaman Sea on the west. In Thai language, the word Thai means freedom. अब हम इसके new words देख लेते हैं बच्चों। Enriching means समृद्ध करने वाला, exciting means रोमांचक, Bordered means घेरा हुआ, Freedom means स्वतंत्रता। थाईलैंड में हमारा stay means ठहराव, enriching means समृद्ध करने वाला और very exciting means बहुत ही रोमांचक था। थाईलैंड bordered means घिरा हुआ है, east means पूर्व में लाओस एंड कम्बोडिया से, south में गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड मलेशिया से और वेस्ट में मीन्स पश्चिम में अंडमान सी मीन्स समुद्र से। ताई लैंग्वेज में ताई शब्द का अर्थ फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता होता है। थाईलैंड ऑफिशियल नेम टिल May 11, 1949 वॉज सियाम विच इज स्टिल यूज्ड बाय मैनी ताईस स्पेशली द चाइनीज स्पीकिंग माइनॉरिटी। We sat in the open terrace of the guest house in the morning sun. अब हम इसके new words देखते हैं। Minority means अल्पसंख्यक, terrace means छत। Thailand का official name मतलब आधिकारिक नाम सियम था बच्चों, जो कि आज भी बहुत से थाई लोगों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। Especially means विशेष रूप से चीनी बोलने वाले minority means अल्पसंख्यकों के द्वारा। We sat in the open terrace of the guest house in the morning sun.
हम सुबह की धूप में गेस्ट हाउस के ओपन टेरेस मीन्स खुले छत में बैठे। बीइंग अ नवंबर मॉर्निंग द वेदर वॉज क्वाइट कोल्ड। चुई बहाड वे अवर केयर टेकर एट द गेस्ट हाउस ब्रॉट अस हॉट कॉफी एंड स्पाइस्ड पोटैटो चिप्स। तो अब हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं। वेदर मीन्स मौसम, केयर टेकर मीन्स देखभाल करने वाला, स्पाइस्ड मीन्स चटपटा मसालेदार। यह नवंबर महीने की सुबह का समय था बच्चों। मौसम क्वाइट कोल्ड मीन्स काफ़ी ठंडक वाला था। चुई बहाड वे जो कि हमारे गेस्ट हाउस के केयर टेकर अर्थात देखभाल करने वाले व्यक्ति थे, हमारे लिए हॉट कॉफ़ी मीन्स गर्म कॉफ़ी और स्पाइसी पोटैटो चिप्स लेकर आए। ही वॉज वेरी बिजी बट वी मैनेज टू पुल हिम टू अ चेयर टू सिट विथ अस एंड टेल अस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ थाईलैंड। चुई बहाड वे देन टुक अस टू ए स्मॉल एंड रादर ओल्ड म्यूजियम अ फरलॉन्ग अवे फ्रॉम द गेस्ट हाउस वेयर मैनी क्वाइंस वेसल्स मेटल वेपन्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्ट्री वेयर कैप्ट। फरलॉन्ग मीन्स गज, वेसल्स मीन्स पात्र। बच्चों छुई बहाड वे बहुत ही बिजी थे, लेकिन हमारे साथ बैठने और थाईलैंड की हिस्ट्री मीन्स इतिहास के बारे में बताने के लिए उन्हें चेयर खींचने पर हम कामयाब हो गए। छुई बहाड वे हमें छोटे और पुराने म्यूजियम मीन्स संग्रहालय में लेकर गए जो गेस्ट हाउस से अ फरलॉन्ग मीन्स एक गज दूर था, जहाँ मैनी क्वाइंस मीन्स बहुत सारे सिक्के पात्र धातु के हथियार एंड रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्ट्री मीन्स अभिलेख रखे हुए थे। माय फादर पॉइंटेड एट द ताई ऑफिशियल कैलेंडर ऑन द वॉल बेस्ड ऑन द बुद्धिस्ट एरा। Interestingly, the Thai calendar is 543 years ahead of the Western calendar. अब हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखते हैं बच्चों। पॉइंटेड मीन्स इशारा किया, ऑफिशियल मीन्स आधिकारिक, इंटरेस्टिंगली मीन्स मज़े की बात यह है मेरे पिताजी ने वॉल पर लगे थाई कैलेंडर की ओर इशारा किया बच्चों, जो कि बुद्धिस्ट एरा पर आधारित था, जिसमें मजे की बात यह है कि यह ताई कैलेंडर वेस्टर्न कैलेंडर से 543 साल आगे है। दिस मीन्स द ईयर 2005 एडी विल बी कंसीडर्ड एज 2548 एडी अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट कैलेंडर। वी हैड प्लान टू गो आउट एंड सी द रिवर बैंक्स ऑफ मेकोंग एंड द फ्लावर्स ऑफ चाओ प्राया रिवर वैली, बट सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग। अब हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं बच्चों। प्लांट मीन्स योजना बनाया, रिवर बैंक्स मीन्स नदी के किनारों। इसका मतलब यह है कि साल 2005 एडी को 2548 एडी समझा जाएगा बच्चों। हमने बाहर जाने और मेकोंग रिवर के किनारों और चाओ प्रायर रिवर घाटी के फ्लावर्स को देखने की प्लांट मीन्स योजना बनाई थी कि अचानक इट स्टार्टेड रेनिंग मीन्स बारिश शुरू हो गई। We were disappointed because we had to cancel our trip, but Chui Bahadwe kept us engaged. He showed us photographs of lovely Korat Plateau and the highest peak of Thailand, Doi Intharion, which is 2576 meter high, situated in the north of the country. अब हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखते हैं बच्चों। डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश हुए, एंगेज्ड मीन्स व्यस्त, प्लेट्यू मीन्स पहाड़ी मैदान, हाईएस्ट पिक मीन्स सर्वोच्च शिखर, सिचुएटेड मीन्स स्थित। अब हम इसके हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं बच्चों। और हम निराश हो गए क्योंकि हमें अपना ट्रिप कैंसिल करना पड़ा, लेकिन छुई बहाड़वे ने हमें व्यस्त रखा। उन्होंने हमें लवली मीन्स मनोहर कुराट
प्लेट्यू मीन्स पठार और थाईलैंड के हाईएस्ट पीक मीन्स सबसे ऊंचे शिखर दोए इंथेरियान जो कि कंट्री के नॉर्थ मीन्स उत्तर में 2576 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इनके फोटोग्राफ्स दिखाए। द ब्यूटिफुल चाओ प्राया रिवर रन्स इंटू द गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड द नैरोवर क्रा इस्थमस flows into the Malay Peninsula. Gulf means खाड़ी, Peninsula means प्रायद्वीप। अब हम इसके हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं बच्चों। ब्यूटीफुल चाओ प्रायर नदी थाईलैंड के गल्फ मीन्स खाड़ी में गिरती है और नैरोवर मीन्स सकरी क्रा इस्थमस मलय पेनिनसुला मीन्स प्रायद्वीप में बहती है। By the time the delicious Thai cuisine cooked for us had made us feel hungry indeed. Thai cuisine is known for its balance of five basic flavors in every dish: hot, spicy, sour, sweet, salty, and bitter taste. Delicious means swadisht. Cuisine means bhojan. बच्चों, उस समय तक थाई क्विजीन के डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट व्यंजन हमारे लिए पकाए गए थे। उन्होंने हमें इंडीड मीन्स सच में हंग्री मीन्स भूखा फील करा दिया। थाई क्विजीन को इन पांच बेसिक स्वाद के संतुलन के लिए जाना जाता है जो हैं हॉट स्पाइसी मीन्स तीखे, सौ मीन्स खट्टे, स्वीट मीन्स मीठे, सॉल्टी मीन्स नमकीन और बिटर टेस्ट जो कि टेस्ट में कड़वा होता है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इज द नामपला, वेरी एरोमेटिक एंड स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग फिश सॉस। बहार्डवे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट नूडल्स दैट मेड माय माउथ वाटर, बट एट लंच आई रियलाइज दैट द थाईस कॉल इट पैड थाई। अब हम इसके कुछ न्यू वर्ड्स देखते हैं। इंग्रेडिएंट मीन्स घटक या सामग्री, एरोमेटिक मीन्स सुगंधित। बच्चों, अब हम इसे हिंदी में समझते हैं। एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है नामपला जो कि बहुत ही एरोमेटिक मीन्स खुशबूदार और स्ट्रॉन्ग मीन्स कड़क स्वाद वाली मछली की सॉस है। बहार्डवे ने हमें नूडल्स के बारे में भी बात की जिससे मेरे मुंह में पानी आ गया, लेकिन लंच पर मुझे रियलाइज मीन्स एहसास हुआ कि ताई लोग इसे पैड थाई बुलाते हैं। आई इंसिस्टेड दैट आई मस्ट हैव सम इन द इवनिंग। मम्मी वॉज हैप्पी टू कलेक्ट द थाई स्पेशलिटीज फॉर हर किचन सच एज बेजल, गलन ग्लास, जिंजर, थाई, एग प्लांट, टेमरिंड, पाम, कोकोनट मिल्क एंड कोकोनट शुगर। अब हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं बच्चों। इंसिस्टेड मीन्स जोर दिया, बेजल मीन्स तुलसी, टेमरिंड मीन्स इमली, पाम मीन्स ताड़। अब हम इसे हिंदी में समझते हैं। मैंने जोर दिया कि मुझे इवनिंग में भी थोड़ा चाहिए, मतलब मुझे इवनिंग में थोड़ा सा नूडल्स चाहिए, इस बात पर मैंने जोर दिया। और मम्मी को किचन के लिए थाई स्पेशलिटीज़ कलेक्ट करने की खुशी थी, जैसे बेजल, गलन ग्लास, जिंजर, थाई, एग प्लांट, टैमरिंड, पाम, कोकोनट मिल्क एंड कोकोनट शुगर। In the afternoon, we traveled to Bangkok, the capital city. My brother noted the names of other important cities from the tourist guide: Nikon, Red Chashima, Udon Thai, Kakhon Savan, Chiang Mai, Surat Thani, Phuket, Hatyai, Songkhla. Such difficult names. अब हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखते हैं जो कि है कैपिटल मीन्स राजधानी। अब हम इसे हिंदी में समझते हैं बच्चों। दोपहर में हम कैपिटल सिटी
मीन्स राजधानी नगर बैंकॉक के लिए ट्रैवल मीन्स यात्रा किए। मेरे ब्रदर ने दूसरे इम्पोर्टेंट शहरों के नाम भी टूरिस्ट गाइड से नोट किए, जो कि हैं निकॉन, रेड चश्मा, उडोन थाई, कैखोन सवान, चियांग माई, सुरात थानी, फुकेट, हेटियाई सोंकला। इतने मुश्किल नाम। चुई बहाडवे सजेस्टेड दैट वी गो एंड सी द लोईक्रथांग फेस्टिवल हेल्ड यूजुअली इन द मंथ ऑफ नवंबर इन विच कैंडल लिट फ्लोट्स आर कास्ट इनटू रनिंग वाटर टू ब्रिंग गुड फॉर्चून फॉर द कमिंग ईयर। गुड फॉर्चून मीन्स सौभाग्य। अब हम इसे हिंदी में समझते हैं बच्चों। चुई बहाडवे ने हमें सुझाव दी कि हम जाएं और लोईक्रथांग त्यौहार को देखें, जो कि यूजुअली मीन्स आमतौर पर नवंबर के माह में होता है, जिसमें कैंडल लिट फ्लोएट्स मीन्स छोटी नाव पर जलती हुई कैंडल को बहते हुए पानी में डाला जाता है, ताकि आने वाले साल के लिए गुड फॉर्चून मीन्स सौभाग्य लाने के लिए। We were lucky to see the elephant round up in Surin where pachyderms, thick-skinned animals play football, soccer. Wasn't that great? हम भाग्यशाली थे कि हमने सुरीन में हाथियों को एकत्रित देखा, जहां pachyderms means मोटी त्वचा वाले पशु फुटबॉल खेल रहे थे। Wasn't that great? क्या यह शानदार नहीं था? तो बच्चों, हमने इस लेसन में पढ़ा कि थाईलैंड एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, जो कि अपने ब्यूटीफुल प्लेसेस, कल्चर, क्यूजीन एसेट्रा के लिए दुनिया में फेमस है। नाउ इट्स टाइम फॉर असेसमेंट क्वेश्चंस, सो गेट रेडी टू आंसर द क्वेश्चंस। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन। What is the meaning of the word Thai in Thai language? Your options are A. Freedom, B. Wisdom, C. Random, D. Venom. Yes, the correct answer is A. Freedom. The next question, what is the capital of Thailand? Your options are A. Bangkok, B. Rayong, C. Loi, D. Nakhon. Yes, the correct answer is A. Bangkok. Your next question, name the river that runs into Gulf of Thailand. And the answer is, the river that runs into Gulf of Thailand is Chao Phraya. बच्चों, अब हम कुछ रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? तो द वर्ब्स दैट एंडेड इन ईडी और डी टू इंडिकेट एन एक्शन इन द पास्ट आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स। पास्ट एक्शन के लिए हम जिन वर्ब में ईडी और डी लगाकर उसे पास्ट टेंस बनाते हैं, हम उसे रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। रीच, रीच्ड, रीच्ड। यहाँ पर हमने ईडी लगाकर पास्ट टेंस बनाया, रीच्ड, रीच्ड। लुक, लुक्ड, लुक्ड। प्ले, प्लेड, प्लेड। फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। तो ये थे हमारे कुछ रेगुलर वर्ब्स। बच्चों, अब हम कुछ इरेगुलर वर्ब्स के बारे में भी जानते हैं। तो इरेगुलर वर्ब्स, द वर्ब्स दैट डू नॉट एंड इन ईडी और डी टू इंडिकेट एन एक्शन इन द पास्ट आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स। ऐसे वर्ब जिसके पास्ट एक्शन के लिए हमें ईडी और डी नहीं लगाना होता, वे इरेगुलर वर्ब्स कहलाएंगे। जैसे हम देखते हैं, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। इसमें फर्स्ट फॉर्म, जो बेसिक
वर्ब है उसके पास्ट एक्शन एक जैसे हैं, लेफ्ट लेफ्ट। नेक्स्ट वन सेट 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 सेट, इसमें तीनों ही फॉर्म अर्थात प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल एक जैसे हैं। और नेक्स्ट है गो वेंट गॉन, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, गिव गेव गिवन। इन एग्जाम्पल्स में तीनों ही फॉर्म मीन्स प्रेजेंट पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। नाउ आई एम असाइनिंग अ टास्क फॉर यू ऑल, कंसल्ट अ डिक्शनरी टू फाइंड आउट द हिंदी वर्ड्स और द वर्ड्स इन द लोकल लैंग्वेज फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। बच्चों आपको डिक्शनरी से इन दिए गए शब्दों की हिंदी के वर्ड्स या लोकल लैंग्वेज में इनके नाम लिखना है। तो वर्ड्स हैं आपके क्यूकम्बर, जिंजर, कोकोनट, चिलीज, क्यूमिन सीड्स, गार्लिक, ब्रिंजल, फिग, लाइम एंड टोमेटो। आपको इसे बनाना है और अपने टीचर्स या पेरेंट्स से चेक करवाना है। सो बाय बाय, टेक केयर बच्चों।